सलमान खान के बीइंग ह्यूमन की जांच होनी चाहिए, इस बात की मांग जो है अब निर्देशक अभिनव कश्यप कर रहे हैं। वी स्टैंड बाय सलमान खान, ये कल सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हो रहा था और उसके बाद जो है सलमान के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सलमान की टीका कर रहे हैं सुशांत के केस में, और जिस तरह से अभिनव कश्यप ने पोस्ट लिखा था उसके बाद अब अभिनव ने एक और पोस्ट डाला है। वो लिखते हैं कि अभी तक उनको अरबाज का जो है नोटिस नहीं मिला है, जो मानहानि का दावा वो करने वाले थे, वो कहते हैं यार जल्दी भेजो। वहीं एक और पोस्ट उन्होंने शेयर किया है, दबंग के दौरान इन्होंने जो है एक समय गुजारा है खान परिवार के साथ, और वो लिखते हैं जनाब सलीम खान का सबसे बड़ा आइडिया है बींग ह्यूमन, बींग ह्यूमन की चैरिटी महज एक दिखावा है। दबंग की शूटिंग के दौरान मेरी आंखों के सामने 5 साइकिल बंटती थी, अगले दिन अखबार में छपता था कि 500 साइकिल गरीबों में बांटी गई है। सारी कोशिश सलमान खान की गुंडे मवाली वाली छवि को सुधारने की थी ताकि इनके तमाम क्रिमिनल कोर्ट केसेस में मीडिया और जज इन पर थोड़ी रियायत करें। बीइंग ह्यूमन आज 500 रुपये की जीन्स 5000 रुपये में बेचता है, और पता नहीं किन किन तरीकों से चैरिटी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। सीधी सादी जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनसे नोट बटोर रहे हैं ये धूर्त लोग। इनकी मंशा किसी को कुछ देने की नहीं, सिर्फ लेने की है। सरकार को चाहिए कि बीइंग ह्यूमन की गहरी जांच हो, मैं सरकार का पूरा सहयोग करूंगा। तो इस तरह का एक उन्होंने पोस्ट लिखा है और मांग की है कि बीइंग ह्यूमन की जांच होनी चाहिए, और अभिनव जो है लगातार खान परिवार को लेकर बहुत सारी बातें जो है रिवील कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद सलीम खान, सोहेल खान, अरबाज सभी का बयान आया था और उनका ये कहना था कि वो मानहानि का दावा करने वाले हैं, मानहानि का जो है उन पर मुकदमा करने वाले हैं, लेकिन अभिनव का ये कहना है कि उनको इस तरह का कोई भी नोटिस अभी तक नहीं मिला है।